الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حیات المسلمین کی رو نمبر 23 چونکہ ابھی شروع ہوئی تھی اور اس کا اکثر حصہ باقی تھا جس کا رمضان مبارک سے پہلے پورا ہونا بظاہر مشکل تھا, اور آئندہ منگل کے بعد شب برات الحمدللہ آنے والی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے بعد پھر رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور پھر میرا سفر بھی متوقع ہے, اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس منگل کو اور آنے والی منگل کو شب برات کے متعلق ضروری باتیں عرض کر دی جائیں. اس کے بعد پھر کچھ باتیں انشاءاللہ رمضان مبارک کے متعلق بیان کی جائیں گی. اور حیات المسلمین کی روح نمبر 23 کا جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ جب آئندہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ جل شانہ کے ہم پر بڑے انعامات ہیں اور بڑے بڑے احسانات ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمارے ساتھ بہت ہی رحمت و کرم کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو اور احسانات کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو برسوں چاہیے, پھر بھی وہ ختم نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات لامحدود ہے. تو ظاہر لامحدود کوئی انسان کیا بیان کر سکتا ہے, کیسے بیان کر سکتا ہے. اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں ایک واقعہ سنا تھا, یاد آیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگوں میں سے ہیں اور آج بھی ان کی تقریباً 50 مجلسیں فیوز یزدانی کے نام سے اردو میں موجود ہیں, اور وہ بڑی عجیب و غریب اور ایمان افروز ہیں.
पढ़ने के लायक हैं, फायदा उठाने के काबिल हैं। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत बयान फरमाते रहे। चालीस साल बहुत होते हैं। 40 साल तक अपने वाज में सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत बयान फरमाते रहे, और अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला की सिफत जमाल का अक्स है। तो अल्लाह ताला की सिफत जमाल और सिफत रहमान और रहीम होने ही को बयान करते रहे कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है, इस कदर मेहरबान है, इस कदर मेहरबान है। 40 साल के बाद ख्याल आया कि अल्लाह ताला की रहमत बयान करते करते 40 साल हो गए, कहीं ऐसा ना हो लोग सुन सुनकर सुन हो जाएं और ये समझें कि बस जब अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत है तो अब क्या जरूरत है गुनाहों से बचने की। कहीं ऐसा ना हो लोग निडर हो जाएं, बेखौफ हो जाएं और अल्लाह ताला की नाफरमानी में जुरत करने लगे। लिहाजा अल्लाह ताला का खौफ भी बयान करना चाहिए। जहां अल्लाह ताला की रहमत है वहां अल्लाह ताला का खौफ भी तो है ना। ये सोचकर हजरत ने एक दिन अपनी मजलिस में, जिसमें हजारों आदमी होते थे, दूर दूर से लोग हजरत से फैज उठाने के लिए हाजिर होते थे, अल्लाह ताला के खौफ के मौजू पर बयान फरमाया। और हजरत का जो बयान होता था इंतहाई पुर असर होता था, क्योंकि दिल से निकलता था, दिल में उतरता था। तो हजरत के बयान का मजमे पर इतना असर हुआ कि अल्लाह का खौफ का बयान सुनकर बाद आदमियों का इंतकाल ही हो गया। और जब मजलिस बर्खास्त हुई तो साथ साथ कई जनाजे भी उठे और नमाज जनाजा पढ़कर उनको दफन कर दिया गया। दिन गुजरा, रात आई तो ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर इताब हुआ। अल्लाह ताला ने नाराजगी का इजहार फरमाया और फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, कि हमारी रहमत 40 साल में खत्म हो गई, क्यों हमारे बंदों को हम इतना हमसे डराते हो, बस हमारी रहमत ही बयान करते रहो। तो हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की रहमत भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए अल्लाह पाक ने जमीन व आसमान के हजारों साल पहले, जमीन व आसमान के पैदा होने से हजारों साल पहले लोहे महफूज में सबसे पहले बिस्मिल्लाह, इसके बाद ये लिखवाया हुआ है कि सबकत रहमती अला गजबी, मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे बढ़ी हुई है। यानी गुस्सा मैं बहुत कम करता हूँ, मेहरबानी शफकत रहमत ज्यादा करता हूँ। और उलमा ने इसकी वजह यह बयान फरमाई है कि रहमत करना, शफकत फरमाना, दरगुजर फरमाना, माफ करना, ये अल्लाह ताला की अपनी ज़ात का तकाजा है। अल्लाह ताला की ज़ात में रहमत गालिब है, तो ज़ात की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, मेहरबानियाँ फरमाते हैं,
नेमतें अता फरमाते हैं, एहसानात की बारिश फरमाते हैं, दरगुजर फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात का तकाजा है। और ज़ाहिर है ज़ात सबसे बढ़कर, तो अल्लाह ताला की सिफत रहमत सबसे बढ़कर। और गुस्सा और नाराज़गी ये बंदों की बदामालियों की वजह से होता है, तो बंदों की बदामालियाँ ये अल्लाह ताला की ज़ात से हटकर है, तो अल्लाह ताला की ज़ात से हटकर जो चीज़ होगी वो कमतर होगी, और जो अल्लाह ताला की ज़ात का तकाजा होगी वो ज़्यादा होगी। इसलिए अल्लाह ताला की रहमत ज़्यादा और नाराज़गी गुस्सा कम। तो अल्लाह ताला की रहमत इतनी है हम पर कि बेपाया और बेहिसाब है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से फरमाए हैं, और हर हिस्सा ऐसा है जैसे जमीन से लेकर आसमान तक का फासला। उन 100 हिस्सों में से अल्लाह ताला ने एक हिस्सा जमीन में उतारा है, उसकी वजह से दुनिया में सारे मोहब्बत के रिश्ते कायम हैं। जितनी भी आपस में मोहब्बतें हैं और जितने भी मोहब्बत के रिश्ते दुनिया में कायम और दायम हैं, वो अल्लाह ताला की उस एक रहमत के असर की वजह से है, अल्लाह ताला की उसी एक हिस्से रहमत की वजह से। माँ बाप अपने औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है, शोहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शोहर से मोहब्बत करती है, दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक के जानवर भी अपने बच्चों से उसी अल्लाह ताला के 1/100 हिस्से की वजह से मोहब्बत करते हैं। जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। और हदीस शरीफ में इसका एक वाक्या आता है कि एक मर्तबा सहाबा कराम जंगल से गुजर रहे थे, तो एक जगह करीब करीब चंद दरख्त थे जिनको कहते हैं दरख्तों का झुंड, तो वहां से गुजरे तो किसी परिंदे के बच्चों के बोलने की और चहचहाने की उनको आवाज सुनाई दी, क्योंकि ऐसे जगह पर परिंदे घोंसला बना लेते हैं, वहीं अंडे बच्चे हो जाते हैं उनके। तो जब उन्होंने बच्चों की आवाज सुनी तो वह अंदर चले गए, देखा कि वाकई एक दरख्त में घोंसला है, उस घोंसले के अंदर किसी परिंदे के बच्चे बैठे हुए हैं जो चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं। इन्होंने घोंसले में से बच्चे उठा लिए और अपने हाथ पे चादर डाल के उस बच्चों को उस चादर में अपने हथेली पे रख लिया और कपड़े से ढक लिया और ढक के बाहर आ गए। अभी चंद कदम चले होंगे कि उन बच्चों की माँ को जो एक परिंदा था महसूस हो गया कि इन्होंने हमारे मेरे बच्चे निकाले, तो फिजा में चक्कर लगाने लगी और बेचैन और बेकरार होने लगी कि तुम मेरे बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो। इन्होंने भी उसकी बेचैनी को बेकरारी को या उसके एहतजाज को महसूस कर लिया, तो इन्होंने वो अपने हाथ में से परिंदों पर से कपड़ा हटाया, जैसे ही कपड़ा हटाया और उस परिंदों बच्चों की माँ ने फिजा में उन बच्चों को उनके हाथ पे बैठा हुआ देखा, तो वो इस कदर बेकरार हुई कि आकर बच्चों पे बैठ गई और परों के अंदर अपने बच्चों को छुपा लिया। आमतौर पर तो फिजा में तो माँ उड़ती है लेकिन हाथ पर आकर कम बैठती है। इस वाक्य में ये कि वो आके बैठ गई, तो इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस बच्चों की माँ ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, इस कदर इसको अपने बच्चों से मोहब्बत, इस कदर इसको अपने बच्चों से मोहब्बत के जान की परवाह नहीं की, वो आके इनके ऊपर बैठ गई और उसकी मोहब्बत किस कदर कि जान की परवाह किए बगैर वो अपने बच्चों पर ही आगे बैठ गई और उनको अपने आगोश में ले लिया, तो बड़ा इनको ताज्जुब हुआ। और फिर उन्होंने उस पर कपड़ा ढक लिया था, वो भी अंदर अभी आया गया जाकर के हुजूर खिदमत में हाजिर होकर सारा वाक्य सुनाया।
पहले तो आपने तंबीह फरमाई कि देखो किसी परिंदे को ऐसी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, किसी परिंदे को या उसके उसके बच्चों को इस तरह सताना नहीं चाहिए, नाहक परिंदे को सताना भी गुनाह की बात है। आपने इससे मना फरमाया और ये भी हुक्म दिया कि जाओ वहां जाकर उसी के घोंसले में बच्चों को पहुंचा करके आओ और आइंदा ऐसा मत करना। ये भी हमारे लिए सबक है, याद रखो कि नाहक किसी जानवर को और नाहक किसी परिंदे को सताना तकलीफ देना भी दुरुस्त नहीं है। वहां पर फरमाया वहां पहुंचा दूं। इसके बाद आपने जो फरमाया उसका खुलासा ये कि जितना इस परिंदे को अपने बच्चों से मोहब्बत है इससे ज्यादा अल्लाह ताला को अपने बंदों से मोहब्बत है। जितनी इस परिंदे को अपने बच्चों से मोहब्बत है इससे ज्यादा अल्लाह ताला को अपने बंदों से मोहब्बत है। तो ये जो परिंदों की मोहब्बत का इस वाक़े में आपने जिक्र सुना ये अल्लाह ताला की उस 1/100 रहमत का असर है और 99 हिस्से रहमत के अल्लाह ताला ने आखिरत में जमा किए हुए हैं, आखिरत में रखे हुए हैं और जब कयामत कायम होगी तो ये दुनिया का 100वां हिस्सा भी जाकर उससे मिल जाएगा और फिर 100 के 100 हिस्से आखिरत में अल्लाह ताला उसके जरिए अपने बंदों की बख्शिश फरमाएंगे और दरगुजर फरमाएंगे। ये अल्लाह ताला की रहमत है भाई, इस कदर अल्लाह ताला मेहरबान है और रहमान और रहीम है। उस रहमत का एक असर और एक अल्लाह ताला का एहसान और इनाम ये है कि अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े हुजूर की उम्मत को सवाब देने के लिए, अजर व सवाब अता करने के लिए, मग़फ़िरत व बख्शिश अता करने के लिए वक्तन फवक्तन कुछ घड़ियां, कुछ दिन, कुछ रातें, कुछ अशरे, कुछ महीने ऐसे अता फरमाते हैं कि उसमें थोड़ा सा अमल करो और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिल जाए। थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करो अल्लाह ताला ताला की तरफ से खूब मेहनत रहमत मिल जाए, मग़फ़िरत अता हो जाए, बख्शिश मिल जाए। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। खुदा करे हम अल्लाह ताला की इस रहमत की कदर करें। चुनाचे साल में अल्लाह ताला ने 5 रातें ऐसी रखी हैं कि हजरत माज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो आदमी साल की 5 रातों में अल्लाह ताला की इबादत करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा देते। हालांकि अल्लाह ताला से में कुछ भी वाजिब नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे मेहरबान है और ऐसे रहमान और रहीम है कि बाज़ आमाल के नतीजे में अल्लाह ताला बाज़ चीज़ों के देने को खुद ही अपनी मेहरबानी से अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं कि जो ये अमल करेगा मैं ज़रूर उसको ये दूंगा। तो यहाँ पर भी यही है कि 5 रातें जो आदमी जागकर इबादत में गुजारे तो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे उसके लिए जन्नत देना वाजिब कर लेते हैं कि ज़रूर ही उसको जन्नत अता फरमाएंगे। वो 5 रातें ये हैं। नंबर 1, 8 ज़िलहिज्जा की रात। नंबर 2, 9 ज़िलहिज्जा की रात। नंबर 3, 10 ज़िलहिज्जा की रात। नंबर 4, ईद उल फितर की रात। नंबर 5, शबे बरात। 15, शाबान की रात, इसको शबे बरात भी कहते हैं, शबे मग़फ़िरत भी कहते हैं। 5 रातें होंगी जो अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से हमें ये 5 रातें अता फरमाई हैं कि जो आदमी इन 5 रातों की कदर करेगा और इन मुबारक रातों में अल्लाह ताला की इबादत में लगेगा और अल्लाह ताला का जिक्र करेगा, अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ेगा, दुआएं करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, गुनाहों से बचेगा, दूसरे नेक कामों को अंजाम देगा तो उसके नतीजे में इंशाल्लाह जन्नत का मुस्तहिक बनेगा।
इसी तरह मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आती है, जब माह शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह पाक अपने सारी मखलूक की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं। अब ये खुसूसी तवज्जो भी महज उनकी रहमत और उनकी इनायत है, वरना मखलूक इस काबिल कहा कि खाली कायनात उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दें, मगर अपनी रहमत से वो तवज्जो देते हैं। अल्लाह ताला को चूंकि अपनी मखलूक से मोहब्बत है इसलिए नजर करम फरमाते हैं और अपनी सारे ही मखलूक की बख्शिश फरमा देते हैं सिवाय दो आदमियों के, एक मुशरिक की बख्शिश नहीं फरमाते, एक कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं फरमाते। और दूसरी रिवायत में मजीद चंद आदमियों का जिक्र है, एक वो मर्द जो अपने शलवार टखने से नीचे रखने वाला है, दूसरे वो शख्स जो वालदेन की नाफरमानी करने वाला है और उनको सताने वाला है, परेशान करने वाला है, तीसरे वो आदमी जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला है, पांचवें वो शख्स जो शराब पीने का आदि है। तो दूसरी रिवायत में पांच आदमी हो गए, पहली रिवायत में दो आदमी हो गए, सात आदमी हो गए। बाद रिवायतों में और भी बाद गुनहगारों का जिक्र है कि उनकी इस रात में बख्शिश नहीं होती, तो इसमें सात आदमियों का जिक्र आ गया कि इस रहमत आम के मौके पर जब अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों पर बरस रही है और अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश फरमा रहे हैं, मगफिरत फरमा रहे हैं, तो ये सात आदमी ऐसे महरूम हैं कि इस मुबारक रात में उनकी बख्शिश नहीं होती। लिहाजा इसके बारे में जरा से समझने की जरूरत है। और भाई हम यहाँ पर जमा होते हैं अपनी इसलाह के लिए, और कोई मकसद नहीं, थोड़ी देर के लिए यहाँ जमा हो जाते हैं और आकर के दीन की बातें सुनते हैं और सुनाते हैं ताकि हम अपना जायज़ा लें और जायज़ा लेकर के अगर कोई गुनाह हो रहा है तो उससे तौबा कर लें, और किसी नेक बात का तज़किरा हो रहा है अगर हम नहीं कर रहे हैं तो करने वाले बन जाएं, बस और कोई गर्ज नहीं। तो इन गुनाहों की ज़रा सी वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना अपना जायज़ा लें कि इन सात गुनाहों में से कोई गुनाह हमारे अंदर तो मौजूद नहीं है, खुदा न खास्ता अगर हो तो वह तौबा कर लें। क्योंकि इन सात आदमियों की भी शबे बरात में इस शर्त के साथ बख्शिश हो सकती है कि ये तौबा कर लें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, इन गुनाहों से बाज आ जाएं तो इनकी भी इस रात में बख्शिश हो जाएगी। ये तो गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला की रहमत से महरूम है, गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला की रहमत से महरूम है, तौबा कर लें तो महरूम ही ख़त्म, मगफरत इनकी भी हो जाएगी। इस पर मैं किस्सा सुनाता हूँ, पहले भी मैंने शायद एक दफ़ा सुनाया बल्कि कई मरतबा सुनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा कहत पड़ गया और इतना कहत पड़ गया कि लोग और जानवर मरने लगे। और ये कायदा है कि जब कहत पड़ जाए, बारिश बंद हो जाए तो सब लोग मैदान में जाएं और मैदान में जाकर के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा करके पानी मांगे, बारिश मांगे, तो आमतौर पर बारिश हो जाती। और उसमें भी ये भी कायदा है कि अगर पहले दिन बारिश ना हो तो दूसरे दिन दुआ करें, दूसरे दिन बारिश ना हो तीसरे दिन, तीसरे दिन आखिरी दिन है, बारिश हो या ना बस तीसरे दिन के बाद फिर नहीं जाएंगे दुआ करने के लिए, बस अपने तौर पर दुआ करते रहेंगे। तो ये तरीका पिछले पैगंबरों के ज़माने में भी था, हुजूर के यहाँ भी, हुजूर की शरीयत में भी ये तरीका है। हुजूर की शरीयत में दो रकात पढ़ना भी है कि भाई मैदान में जाएं और मैदान में जमा होकर के दो रकात नमाज इस्तिस्का पढ़ें, इसके बाद फिर खुतबा होगा, उस खुतबे के अंदर सब अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएँ करेंगे और हाजरीन आमीन कहेंगे तो उससे भी बारिश हो जाती। लिहाजा लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि या हज़रत कहत पड़ गया है, बारिश बंद हो गई है,
बारिश हो ही नहीं रही, लिहाजा आप दुआ फरमाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया बनी इसराइल के अंदर के कल सवेरे मैदान में जमा हो और वहां जाकर के अल्लाह ताला से सब गिड़ गिड़ा के दुआ करेंगे। अब सब वहां जमा हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कराने वाले, वो तो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और कलीमुल्ला हैं, वो तो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल मैदान में जमा हो गए और देर तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते रहे और सब आमीन कहते रहे, और लेकिन कहीं भी बारिश के आसार जाहिर नहीं हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी आज तो बारिश नहीं हुई, कल फिर जमा होंगे दुआ करेंगे। दूसरे दिन भी दुआ की, बारिश नहीं हुई, फिर फरमाया सुबह कल फिर जमा होंगे और दुआ करेंगे। तीसरे दिन भी जमा हुए, बारिश नहीं हुई। और अल्लाह ताला के पैगंबरों की दुआ जो होती है वो मकबूल होती है। तीसरे दिन जब बारिश नहीं हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलाम होकर अर्ज किया, परवरदिगार आप तो अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान हैं और कभी भी अपने बंदों के इस कदर रोने रोने को और दुआ मांगने को आप रद्द नहीं फरमाते, क्या वजह है कि तीन दिन से आपके बंदे आपके बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और गिड़गिड़ाकर रो रोकर पानी मांग रहे हैं लेकिन बारिश के आसार नापैद हैं, दूर दूर बारिश के आसार नहीं है, किस बिना पर आप बारिश नहीं फरमा रहे। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से हमारी नाफरमानी करता आ रहा है, उसकी वजह से हम बारिश नहीं बरसा रहे क्योंकि वो इस मजमे में मौजूद है, और जब वो इस मजमे में मौजूद है तो हम कैसे बारिश बरसाएं, हमारी नाफरमानी करके हमारा मुकाबला कर रहा है वो। हाँ, अगर वो इस मजमे में से निकल के चला जाए तो हम अभी बारिश बरसा देते हैं। बहरहाल उसकी वजह से बारिश रुकी हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार वो बंदा कौन सा है, ये तो 70,000 बनी इसराइल हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, मैं कैसे जानूं कैसे पहचानूं, अब मैं कैसे कहूं कि वो ये उस ये बंदा है तो मैं उससे कहूं भाई तुम जाओ यहां से ताकि बारिश बरसे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया आप किसी बुलंद जगह पे खड़े होकर ऐलान कर दो, हम तुम्हारी आवाज सबके पास पहुंचा देंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बुलंद जगह पे खड़े हुए और फिर आपने ये ऐलान फरमाया कि तीन दिन से सब लोग यहाँ आकर दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो इसकी वजह अल्लाह ताला ने ये फरमाई है कि इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से हमारी नाफरमानी करता आ रहा है और हमारा मुकाबला कर रहा है, इसकी वजह से हम बारिश नहीं बरसा रहे, और वो बंदा अगर इस मजमे से चला जाए तो फिर बारिश हो जाएगी। लिहाजा मैं ऐलान करता हूँ कि जो बंदा यहाँ पर ऐसा मौजूद है उसे चाहिए कि वो यहाँ से चला जाए ताकि बाकी लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमत के हकदार बने और उन पर रहमत हो, बारिश हो और उनकी तकलीफ दूर हो। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान फरमाया तो ये ऐलान उसके भी कान में गया जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा था। जब उसने ये ऐलान सुना ना तो एकदम ऐसा हुआ जैसे कि उसके बिजली गिर गई हो और एकदम उसने अपने दिल में रोना शुरू कर दिया और कहने लगा कि परवरदिगार आज तक तो आपने मेरा पर्दा रखा हुआ था, किसी को नहीं मालूम था कि मैं कौन हूं क्या करता हूं, आज मैं आपकी पकड़ में आ गया, या अल्लाह मैं आपकी नाफरमानी से बाज आया, मैं तौबा करता हूं, आज मुझे मखलूक के अंदर जलील होने से आप बचा लीजिए, अब मैं अगर निकलूंगा तो सब लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे ये है वो मरदूद जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी और मुझे लानत करेंगे और नसीब मुझे मेरी नस्ल को लोग कोसेंगे कि इनका बाप ऐसा आदमी था वैसा आदमी था जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी, तो मैं तो हमेशा के लिए जलील और ख्वार हो जाऊंगा, या अल्लाह आज मैं आपसे माफ़ी कर मांगता हूँ और अपने इस गुनाह से जो मैं अब तक करता आया हूँ माफ़ी का मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, आज आप मुझे मखलूक के सामने जलील होने से बचा लीजिए और मेरा आज पर्दा रख लीजिए। बस ये वो दिल दिल में चुपके चुपके सभी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे, किसी को क्या पता कौन किस वजह से रो रहा है। थोड़ी
थोड़ी देर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि चारों तरफ से घटाएं उठनी शुरू हो गई, बादल आने शुरू हो गए और देखते देखते घटा छा गई और रहमत की बारिश बरसने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि ऐलान तो ये हुआ है कि इस मजमे में जो आदमी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है वो निकल जाए तो बारिश हो जाए, निकला कोई नहीं, बारिश पहले हो रही है। तो इसमें हजरत को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐलान तो कुछ हुआ है और अमल कुछ और हो रहा है। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलामी की और गुफ्तगू की, अर्ज किया परवरदिगार आलम आपने तो ये ऐलान कराया था और बारिश पहले शुरू हो गई है, अभी तक तो कोई बंदा इस मजमे से निकल कर गया नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिस बंदे की वजह से बारिश रुकी हुई थी अब उसी की वजह से बारिश हुई है, क्यों अब वो बंदा हमारा बाज आ गया और उसने हमसे माफी मांग ली है और तौबा कर ली है उसने, तो हमें उससे कोई जिद थोड़ी थी, वही नाफरमानी करके हमारा मुकाबला कर रहा था। जब उसने मुकाबला छोड़ दिया, ताबेदारी इख्तियार कर ली, तो हमने बारिश बरसा दी, अब बारिश हो गई। तो गुनाह की वजह से देखो बारिश शुरू की गई थी, तौबा करते ही बारिश हो गई। अब आगे देखो अल्लाह ताला की मजीद रहमत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से अर्ज किया कि या अल्लाह ये तो अजीब गरीब बंदा है आपका, ये तो आपका अजीब गरीब बंदा है कि या तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी और हुई तो उसी की वजह से बारिश हुई, तो ये तो बंदा काबिल ज़ियारत है, मैं तो उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी अब उसी की वजह से बारिश हुई है, ये तो काबिल दीद आदमी है। अब अल्लाह पाक की रहमत सुनो, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मूसा जिसका हमने 40 साल पर्दा रखा आज तुम्हें दिखाकर उसको रुसवा कर दें। आया है आया है, जिसका हमने 40 साल से पर्दा रखा, किसी को नहीं पता था कौन अल्लाह ताला के हमारी नाफरमानी कौन हमारी नाफरमानी कर रहा है, आज हम तुम्हें दिखा करके उसको रुसवा करें, ये कैसे हो सकता है? हम जहां गफ्फार हैं सत्तारे भी तो हैं ना हम, अल्लाह। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी उसको कुछ बुरा समझते या कोई तंबी करते, मूसा अलैहिस्सलाम तो कह रहे हैं मैं तो उसकी ज़ियारत करना चाह रहा हूँ, मगर अल्लाह ताला ने इतना भी गवारा नहीं फरमाया। इस कदर वो जैसे रहमान और रहीम है ऐसे सत्तारुल उयूब भी हैं, गुनाहों पर भी पर्दा रखते हैं। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि मैदान कयामत में अल्लाह ताला एक बंदे मोमिन को अपने पास बुलाएंगे और उसको अपने आगोश रहमत में ले लेंगे, पर्दे में ले लेंगे अपने, और फिर उस बंदे से पूछेंगे भाई तुमने फला दिन फलाना काम किया था, वो क्या कहेगा, हाँ जी किए थे, फला दिन तुमने ये गड़बड़ की थी जी, हदत की थी, फला दिन तुमने ये काम नहीं किया था जी किया था, अब अल्लाह ताला उसे गुनाह याद दिलवाएंगे तो फला दिन तूने ऐसा किया था, फला दिन तूने ऐसा किया था, फला दिन ऐसा किया था, अल्लाह ताला उसको याद दिलाएंगे, अब वो सिवाय हाँ क्या और क्या करेगा, अल्लाह ताला के सामने तो इकरार ही करना है ना भाई, वो करता रहेगा, वो डरता रहेगा कि बस अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, बस अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ मामला। जब वो अपने सारे गलतियों का इकरार कर लेगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए बंदे देख दुनिया में तेरी सत्तारी की, आज तूने अपनी गलतियों का इतराफ़ कर लिया, आज भी हम तेरी सत्तारी करते हैं, और फिर खामोशी से उसकी मगफिरत फरमा देंगे और मखलूक के सामने उसको जलील नहीं फरमाएंगे, लेकिन काफिरों को बरसर आम अल्लाह ताला जलील रुसवा फरमाएंगे उनके कुफ्र शिर्क की वजह से। एक और अल्लाह ताला की रहमत अजीब व गरीब, वो भी हदीस शरीफ में, अल्लाह ताला एक और बंदे से अल्लाह ताला गुफ्तगू फरमाएंगे कयामत के दिन, और फरिश्तों से कहेंगे कि इसके जो छोटे छोटे गुनाह हैं ना वो सामने लाओ, तो सब लिखे हुए होंगे नामे आमाल में, नामे आमाल में तो छोटा बड़ा हर गुनाह लिखा जाता है ना, इल्ला ये कि तौबा
तौबा कर ले तो फिर मिट जाता है। तो उसके छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे इसके सामने करो, फिर पूछेंगे हाँ भाई ये किया था, ये क्यों किया था तुमने, वो कहता जाएगा, उसके सामने गुनाह आते जाएंगे और वो एतराफ करता जाएगा और डरता रहेगा कि ये तो सब छोटे छोटे गुनाह रहे, मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं, खुदा ना खास्ता वो ना आ जाए सामने, वो डरेगा। छोटे छोटे गुनाह तो सामने आते जाएंगे तो उन्हीं से वो घबरा रहा होगा, लेकिन साथ साथ उसका अंदर ही अंदर ये घबराहट हो रही होगी कि मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए, झूठ भी बोला हुआ है, चोरी भी की हुई है, किसी को मारा हुआ भी है और किसी को सताया हुआ भी है, और नमाज भी नहीं पढ़ी, मैंने तो रोजे भी नहीं रखे, और ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, ये तो छोटे छोटे गुनाह सामने आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा कोई बड़ा गुनाह भी सामने आ जाए। तो फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से फरमाएंगे, अपनी मेहरबानी से फरमाएंगे कि फरिश्तों जितने भी इसने गुनाह आप लोगों ने इसके सामने किए, इन सब के बदले नेकी दे दो इसको, जितने भी इसने गुनाह किए हर गुनाह के बदले इसको एक नेकी दे दो। तो वो एकदम वो कहेगा मेरे तो कुछ बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो तो आए सामने ही नहीं आ रहे, तो अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी, अल्लाह जल्ला जलालहू, अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी कि अभी तो डर रहा था कि बाप रे बाप मर गया और अब कहेगा कि नहीं मेरे तो और बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो भी तो सामने आने चाहिए ताकि उनके बदले भी नेकियां मिले, सुभान अल्लाह। तो भाई अल्लाह ताला को कोई अपने बंदों से कोई दुश्मनी थोड़ी है, अगर ये सात आदमी जो गुनाह करने वाले हैं अगर ये भी तौबा कर लेंगे तो इस रात में इनकी बख्शिश हो जाएगी। लिहाजा ये हमें समझने चाहिए कि ये सात गुनाह जो सात गुनहगार जो हैं उन जिन गुनाहों की वजह से वो इस मुबारक रात में अल्लाह ताला की रहमत आम से महरूम होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो गुनाह हमारे अंदर भी हों, और बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो वाकईतन हमारे माशरे में पाए जाते हैं, जैसे आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक तो यह है कि मुशरिक की इस रात में बख्शिश नहीं होगी, मुशरिक की इस रात में बख्शिश नहीं होगी। शिर्क की दो किस्में हैं भाई, एक शिर्क जली एक शिर्क खफी। शिर्क जली तो यही है कि अल्लाह ताला जैसे लायक इबादत हैं अल्लाह ताला के अलावा किसी और को भी माज़ल्ला को इबादत के लायक समझे, जैसे मुशरिकीन बुतों की इबादत करते हैं, कोई चांद सूरज की इबादत करता है, कोई इसी दरख्त की इबादत करता है, बाज़ सांप बिच्छू की इबादत करते हैं, बाज़ जिन्नात की इबादत करते हैं, बाज़ फरिश्तों की इबादत करते हैं, या जैसे हमारे माशरे के अंदर आपने देखा होगा कि बाज़ बुजुर्गों के मज़ारात पे जा करके वहाँ शिर्क वाले आमाल करते हैं, यानी जो मज़ार में बुजुर्ग मदफून है उनको अल्लाह ताला की तरह साहिब कुदरत समझते हैं, यानी जैसे अल्लाह ताला रोजी देने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये बुजुर्ग जो इस कब्र के अंदर मदफून है वो भी रोजी देने वाले हैं, या जैसे अल्लाह ताला औलाद देने वाले हैं ये भी औलाद देने वाले हैं, ये जैसे अल्लाह ताला हाजतें पूरी करने वाले हैं ये बुजुर्ग भी हाजतें पूरी करने वाले हैं, उनकी मन्नतें मानते हैं, उनके मज़ार के ऊपर सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, उधर नियत बांध करके नमाज पढ़ते हैं, ये सब कुफ्रिया और शिरकिया आमाल हैं, ये सारे के सारे होते नहीं होते हमारे मुल्क के अंदर भी, कितने बड़े बड़े मशहूर बुजुर्ग उनके मज़ारात हैं वहाँ जाके लोग मन्नतें मानते नहीं मानते, कहते हैं दाता बेटा दे दे मैं इतने चादरें तेरी मज़ार पर चढ़ाऊँगा, और एक शेर भी उन्होंने अपना बनाया हुआ बड़ा मन घड़त और झूठा बिल्कुल, वो ये कि हमारी सुनता नहीं उनकी टालता नहीं, बुजुर्गों के मुतालिक ये उन्होंने शेर क्या है बस एक कलमा है कि हमारी सुनता नहीं अलियाज़ु बिल्ला और इनकी टालता नहीं, यानी अल्लाह ताला हमारी दुआ तो सुनते नहीं है और हमारी दुआ तो कबूल करते नहीं है, और ये बुजुर्ग ऐसे पहुंचे हुए हैं कि अगर अल्लाह ताला से किसी काम के लिए कह दें तो अल्लाह ताला इनके सामने मजबूर है, माननी पड़ती है अल्लाह ताला की इनकी अलियाज़ु बिल्ला तौबा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। यह यहाँ तक लोगों का अकीदा ख़राब है। तो ये हैं वो शिरकियाँ बातें जो बुज़ुर्गों के मज़ारात पर होती हैं, तो ये भी शिरक में दाखिल है, ये सब बातें हराम हैं और नाजायज़ हैं। तो एक तो ये शिरक है भाई, अल्लाह ताला इससे बचाए और सब मुसलमानों को उससे बचने की तौफीक दे। एक और शिर्क है उसको कहते हैं शिर्क खफी।
शिर्क खफी के माना आते हैं पोशीदा शिर्क, और पोशीदा शिर्क कहते हैं रियाकारी को। कोई आदमी कोई नेक अमल मखलूक को दिखाने की नीयत से करे, कोई आदमी इसलिए नमाज ज्यादा पढ़े ताकि लोग उसको इबादत गुजार कहें, खूब अच्छे किरात इसलिए करे ताकि उसको शेखुल कुर्रा कहें, लच्छेदार तकरीर करे ताकि उसको खतीबुल खुतबा लोग कहें, हर वक्त जिक्र करता रहता है ताकि लोग कहें बड़े जाकिर शाकिर जाकिर शाकिल आदमी है भाई ये, तो बहुत ही लोगों की खिदमत करता है ताकि खादिमुल कौम का लकब मिले। तो ये दिखावे के लिए, नाम रोशन करने के लिए कौम में बिरादरी में नाम हो, तो इसे कहते हैं रियाकारी और दिखावा। ये हराम है और ये शिर्क खफी है। हर मुसलमान के जिम्मे वाजिब है कि जो अमल भी करे बस अल्लाह ताला की रजा के लिए करे, मखलूक की तारीफ चाहने के लिए मखलूक के दिल में अपना एतकाद पैदा करने की नीयत से हरगिज नहीं करे। अगर ख्याल भी आए तो उस ख्याल को बस हटा दे और अपनी नीयत ताज़ा कर ले कि भाई ये काम मैं सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहा हूँ, चाहे सदका दे चाहे खैरात दे चाहे कोई काम करे, जो भी नेक काम करे अल्लाह ताला की रजा के लिए करे, तो ये ज़रूरी है। तो मुशरिक की दो किस्में हो गई, शिर्क की दो किस्में हो गई, शिर्क जली शिर्क खफी दोनों से बचे पहला ये। तो लिहाजा देखो हमारे माहौल में भी रियाकारी का जज्बा बहुत पाया जाता है, शादी ब्याह के मौके पर जो अक्सर लेन देन होता है ना वो दिखावे के लिए होता है। ऐसे किसी का इंतकाल हो जाता है तो बहुत से काम सिर्फ कौम को दिखाने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि वो बिरादरी के अंदर खानदान के अंदर उनका रवाज है, और चूंकि रवाज है लिहाजा वो अगर उस गुनाह भी होगा तो फिर भी करेंगे, नाजायज होने के बावजूद करेंगे। जैसे इज्तिमाई कुरान खानी हमारे यहाँ राइज है नहीं राइज है, तीजा राइज है या नहीं राइज है, वो इसलिए करते हैं कि भाई हमारी बिरादरी में इसका रवाज है, नहीं करेंगे तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे। तो ये मखलूक के लिए करना हो गया, ये रियाकारी है दिखावे के लिए ही, तो ये नाजायज है। तो शादी ब्याह के मौके पर अक्सर लेन देन जो होता है वो दिखावे के लिए होता है, और नेवते की रस्म आपने सुनी नहीं सुनी, नेवता बाज बिरादरियों के अंदर होता है कि शादी के मौके पर पैसे लेते हैं और देते हैं, लेते हैं और देते हैं, अदला बदला होता है उसके अंदर, उसमें सब नामो नमूद और दिखावा, वही लिया है तो देना है, खाया है तो खिलाना है, वो अल्लाह के वास्ते करना नहीं होता है, वो तो अपने कौम को मुंह दिखाने के लिए होता है। ये सब रियाकारी की बातें हैं सारी, ये सब नामो नमूद की बातें हैं, और ये सब शिर्क के अंदर दाखिल हैं, याद रखो, शिर्क खफी कहते हैं उसको। तो ये हमारे माहौल और माशरे में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, लिहाजा रियाकारी से बचना चाहिए, शिर्क जली से ही बचना चाहिए, शिर्क खफी से ही बचना चाहिए। ये पहले आदमी का जिक्र हो गया, देखो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, बाकी इंशाल्लाह आइंदा बयान करेंगे। दुआ कर ले। اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا رحمت الرحیمین
हम सब की, हमारे वालदेन की, हमारे अहलोयाल और सारे तमाम हाजरीन और हाजरात की, और जहाँ जहाँ ये बयान सुना जा रहा है तमाम सुनने वालों की मगफिरत फरमा। या अल्लाह हम सब की कामिल मुकम्मल मगफिरत फरमा, बख्शिश फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी रजा और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अपनी नाराजगी और दोजों से पनाह अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी रजा और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अपनी नाराजगी और दोजों से पनाह अता फरमा। या अल्लाह हमें शिर्क जली और शिर्क खफी दोनों से बचने की हमेशा तौफीक अता फरमा। हमें तौहीद खालिस और तवक्कुल सादिक नसीब फरमा। या अल्लाह तौहीद खालिस, इखलास कामिल और तवक्कुल सादिक नसीब फरमा। या अल्लाह हमें तौहीद खालिस और इखलास कामिल और तवक्कुल सादिक नसीब फरमा। या अरहमर रहीमीन, हमें अपने मुखलिस और फरमा बरदार बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह शब बरात आने वाली है, या अल्लाह हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा। या अल्लाह और हमें रमजान शरीफ का महीना ज़रूर नसीब फरमा। या अल्लाह रमजान शरीफ का महीना सेहत के साथ, आफियत के साथ, आमाल सालेह की तौफीक के साथ नसीब फरमा। या अल्लाह रमजान शरीफ का महीना अपनी सारी बरकतों के साथ, सारी रहमतों के साथ, सारी मगफिरतों के साथ, दोज़ख से आज़ादी के साथ और जन्नत की नेमत मिलने के साथ हमें नसीब फरमा। हमारी औलाद और नस्ल को नसीब फरमा। या अल्लाह हमें उसके लिए हमतन तैयारी की तौफीक अता फरमा। शब बरात की भी दौलत नसीब फरमा, माह मुबारक भी हमको नसीब फरमा, और हमारे सारे गुनाहों को अपनी रहमत से दरगुजर फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी रहमत का मामला फरमा। हमारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी रहमत का मामला फरमा, दरगुजर का मामला फरमा। या अल्लाह हम पर अपने अपने गजब से अपनी पनाह अता फरमा, अपनी नाराजगी से अपनी पनाह अता फरमा। या अल्लाह हमसे आखिरत में कोई हिसाब न लेना। या अल्लाह हमसे आखिरत में किसी बात का कोई सवाल न फरमाना, बगैर हिसाब व किताब के और बगैर किसी सवाल व जवाब के माफ़ फरमा देना। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा देना। तमाम बीमारों को सेहत कामिल अता फरमा, तमाम बीमारों को सेहत कामिल अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मर्द औरत, बच्चे बूढ़े बीमार हैं, सभी को सेहत कामिल आजिला दायमा मुस्तमिर अता फरमा। जिन बीमारों ने दुआ के वास्ते कहा है, जैसे मुनव्वर साहब बीमार हैं, या अल्लाह उनको भी सेहत कामिल अता फरमा। और या अल्लाह अपनी रहमत से उख्ते सफवान को भी सेहत कामिल अता फरमा। या अल्लाह उख्ते सलमान को भी, सफवान को भी सेहत कामिल अता फरमा। उख्ते सलमान को भी सेहत कामिल आजिला मुस्तमिर दायम अता फरमा। दारुलूम के असातिज़ा, मुंतज़मीन, मुलाज़मीन, कारकुनान, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुआविनीन में और हाजरीन और उनके घर वालों में जो जो बीमार हैं, सबको सेहत अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। हम सबको ताज़िंदगी गैब से बिला मशक्क़त और बग़ैर परेशानी के इज़्ज़त व आफियत के साथ खूब हलाल और तैयब रोज़ी अता फरमा। खूब हलाल और तैयब रोज़ी अता फरमा। हम सब की सारी नेक मुरादें पूरी फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की जितनी भलाइयाँ आपसे मांगी हैं, सब हमें अता फरमा, सब हमें अता फरमा, सब हमें अता फरमा। और जिन चीज़ों से हुजूर ने या अल्लाह आपसे पनाह मांगी है, हम सबको, हमारी औलाद और नस्ल को उनसे अपनी पनाह कामिल अता फरमा। हर हाल में, हर लम्हा, हर आन दुनिया और आखिरत में आफियत कामिल अता फरमा, आफियत कामिल अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम मुहम्मदिन व अलिही व सहाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।